नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ पुरंजा ज्योतिष की तरफ से आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम सभी रुपया, धन, दौलत के पीछे बहुत कुछ करते हैं उसको पाने के लिए, लेकिन हमें पता तक नहीं होता है कौन सी राशि या लग्न के जातक या जातिका को धन दौलत संबंधित सौभाग्य प्राप्त होता है। इसीलिए इस विषय को जानने के लिए इस वीडियो को स्किप ना करते हुए अंत तक जरूर देखना, और अगर आपको ये विषय पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना ताकि हमारा उम्मीद बरकरार रहे, और इस वीडियो को जितना हो सके आपके अपनों में शेयर करना ताकि आपके अपनों भी इस विषय को जान पाए और इसको अपने जिंदगी में प्रयोग करके अपने जिंदगी को बेहतर बना पाए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन और ऑल ऑप्शन को जरूर प्रेस करना ताकि इस चैनल का कोई भी अपडेट सबसे पहले आप पा सके और इसको अपने जिंदगी में प्रयोग करके अपने जिंदगी को आसान बना पाए। चलिए जानते हैं आज के विषय के बारे में विस्तार से। हिंदू ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ विशेष राशि और लग्न के जातक या जातिका को अर्थभाग जन्म के कारण से ही अच्छा होता है। इनमें से सबसे पहला आता है वृषभ लग्न या वृषभ राशि। इस राशि या लग्न के जातक या जातिका के जन्म ही धनी परिवार में होता है और ये वृषभ राशि के अधिपति देवता है शुक्र देव। इसीलिए इस राशि और लग्न के जातक या जातिका सुखी स्वभाव के होती है, विलासी होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ गलत दिशा के तरफ ऐसे जातक और जातिका चला जाता है और अपने जिंदगी को दारिद्रता में धकेल देता है। इसीलिए ऐसे जातक और जातिका को सावधानी से काम लेना आवश्यक होता है। दूसरा है कर्क राशि। इस राशि के जातक या जातिका छोटे उम्र से ही श्रम पे लग जाता है और कठोर श्रम के वजह से ये लोग सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं। कर्क राशि के अधिपति देवता है चंद्रमा, इसीलिए ऐसे जातक हद से ज्यादा अनुभवी होते हैं और इमोशन के आधार पे ऐसे जातक को ठगा भी जाता है और ये होता भी है। इसीलिए उम्र बढ़ने के साथ साथ ऐसे जातक हद से ज्यादा सावधानी हो जाता है। तीसरा जो राशि है वो है सिंह राशि या लग्न। इस राशि या लग्न के जातक ज्यादा व्यय को पसंद नहीं करता है, ये लोग अर्थ उपार्जन और संचय पे ध्यान देता है। इसी राशि के अधिपति देवता है सूरज। क्योंकि सिंह राशि वाले आय और संचय पे ध्यान देता है इसीलिए ये लोग अर्थशाली होते हैं। चौथा जो राशि है या लग्न है वो है कुंभ। कुंभ राशि के अधिपति देवता है शनिदेव। कुंभ राशि के जातक और जातिका के जीवन बाकी सारा राशि वालों के जैसा नहीं होता है, लेकिन कुंभ राशि के जातक और जातिका धर्मभीरु होते हैं, भगवान को मानते हैं और इसी कारण से ऐसे जातक और जातिका धर्म को मान के ही चलते हैं। छोटे उम्र से ही ऐसे जातक और जातिका परिश्रमी होते हैं और सफलता भी प्राप्त कर लेती है। दोस्तों, आज हमने जाना राशि के अनुसार कौन कौन राशि और लग्न के जातक और जातिका अर्थशाली होने का प्रवणता रखता है। दोस्तों, अगर आप में किसी को किसी भी प्रकार का परेशानियां या समस्याएं है तब आप जितना जल्दी हो सके हमारे साथ संपर्क करने का कोशिश कीजिए, और अगर आप में भारतीय ज्योतिष को लेके कोई भी प्रश्न है तब आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे काम यानी कि पुराण ज्योतिष के हर एक सफलता के बारे में जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे लॉगिन करके हर एक टेस्टिमोनियल को पढ़ भी सकते हैं जो हमारे बहुत सारा ज्ञानी गुणी विद्वान दोस्तों द्वारा लिखा गया है पुराण ज्योतिष के बारे में। आज यही तक, फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो पे भारतीय ज्योतिष के और एक चौंका देने वाले विषय के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने आप सभी के लिए सुख शांति समृद्धि कामना करते हुए आप सभी से अभी के लिए इजाजत चाहता हूँ। आप सभी खुश रहना, आपके अपनों को भी खुश रखना। नमस्कार।